वेलकम बैक टू माई चैनल द डिवाइन पावर 111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम पहले करेंगे आपकी एनर्जी को चेक और फिर हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स को। आप किस एनर्जी में हो, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, पहले हम ये जानेंगे। अगर आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी आपके साथ मैच करती हैं 20 से 30% तक भी, तो समझ लीजिएगा जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊँगी वो आपके पार्टनर की एनर्जी सेम वैसी होगी। रीडिंग जर्नल है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जर्नल रीडिंग के बेस पे कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं। तो चलिए चेक करते हैं मेरे व्यूअर्स की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। भाई आप तो मैनिफेस्टर बन गए हो बहुत ज़बरदस्त वाले। ये आपकी एनर्जी आई है, मैजिशियन कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत से रिचुअल कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स होती हैं उनको आप काफ़ी हद तक समझ गए हो। तो आपको आपको इस तरह से लगता है कि नहीं, अब मैं इसको मैनिफेस्ट करके रहूँगी या रहूँगा, क्योंकि आप मुझे जैसे ज़िद्द पे आ गए हो कि मुझे इसी ही पार्टनर के साथ यूनियन चाहिए। मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में हो। तो क्या करना है, 3 बार लीजिए अपना नाम, अपने लिए प्रेयर कीजिए। तो देखते हैं कि यूनिवर्स मुझे क्या बताते हैं कि मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं, किस हाल में हैं। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स। हे महादेव, हे शिव शक्ति, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स अभी इस समय किस एनर्जी में हैं। आई होप आप लोगों ने प्रेयर कर ली होगी। तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ। मन शांत नहीं है आपका, आप बहुत ना टैरो रीडिंग्स देखते हो, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है, जगल कर रहे हो कि मैं रुकूं, वेट करूं कि मूव ऑन करूं। काफ़ी डेस्परेट हो रखे हो, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके जिद में हो आप लोग, एम्परर की पोजीशन पे आ गए हो। आप लोग ने ये सोच लिया है कि ठीक है, इसको आना है तो ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स करूंगी, और अगर ये आ जाता है मेरी लाइफ में तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। आप अब इस तरह से हो गए हो कि आप ना चाहते हुए भी, अब देखो ये वही कार्ड आए हैं, आप अपने पार्टनर को डेफिनेटली मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। कई तरह के रिचुअल करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो, स्पेल करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यहाँ पे कोई एंजल नंबर यूज़ कर रहा है, कोई स्पेल कर रहा है, किसी से टैरो रीडिंग भी ली है मेरे कुछ व्यूवर्स ने, या टैरो रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हों। दिन भर में बहुत सारी टैरो रीडिंग्स भी देखते हों, कुछ पढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। जैसे होता है ना पॉडकास्ट देखना या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ना थक गए हो इस रिलेशन में वेट करते करते, आपको एक घुटन सी महसूस होने लगी है। अब आप जो आपके मन में अपने पार्टनर के लिए प्यार था ना, वो प्यार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो प्यार कहीं पीछे होता हुआ नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा अपने पार्टनर को लेकर प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो कि अगर वो मेरे बिना जी सकता है तो मैं क्यों नहीं जी सकती हूँ। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ना बहुत दर्द है जिसको आप किसी को बता नहीं सकते हो। मैंने बात ही करी थी कि आपके मन के अंदर बहुत दर्द है, आप बहुत हर्ट हो अपने पार्टनर के बिहेवियर से, क्योंकि उनकी तरफ से आपको कोई भी क्लोजर नहीं मिला है। ना तो उन्होंने बोला है कि मुझे तुम्हारी लाइफ में रहना है या चले जाना है। यहाँ पे मुझे ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर अपनी मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से आपकी लाइफ से चले जाते हैं। इस रिलेशन को कैसे चलना है या कैसे चलाना है, ये डिसीजन आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी पेन में हो, एंजाइटी और डिप्रेशन को फेस कर रहे हो, रात को आपको नींद नहीं आती है। मे भी मेरे बहुत से व्यूअर्स को शोल्डर पेन हो सकती है, आपको बैक पेन हो सकती है, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब इस तरह की कुछ ऐसी यहाँ मुझे बीमारियाँ दिख रही हैं जो कि
किसी को ऊपरी तौर पे नज़र नहीं आती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप उनको झेल रहे हो, उनको फेस कर रहे हो। ऊपर से आप दुनिया को इस तरह से दिखा रहे हो क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की जैसे, कि आप एकदम स्टेबल हो, आप खुश हो, अपने काम पे फोकस हो एंड आप अच्छे खासे तैयार होके भी जाते हो, लेकिन अंदर से आप ऐसे हो, दो चेहरे लेकर आप घूम रहे हो। ठीक है, आप एक तरफ दिखाते हो कि आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अंदर को रात को आप घुट घुट के रोते हो, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। येस, डेफिनेटली आप अपने काम पर भी जाते हो, पार्टी भी करते हो, कंपनी भी देते हो, कुछ इस तरह से आप एक जैसे ना फेक चेहरा लेके घूमते हो, लेकिन आप ऐसे हो नहीं, अंदर से आप बहुत टूटे हुए हो, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा शक्ल करना चाहूँगी मैं। आप सोच रहे हो कि आप बहुत सारी दुआएं मांगते हुए भी नज़र आ रहे हो मेरे कुछ व्यूवर्स। देखो, ये है आपका हाल अंदर से। आप काफ़ी हर्ट दिखाई दे रहे हो, चाहे आप सोसाइटी में उठ बैठ रहे हो, पार्टी पे जा रहे हो, फंक्शन अटेंड कर रहे हो, दीपावली भी आपने अच्छे से अटेंड करी है, लेकिन आप अंदर से बहुत उदास हो। आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज की वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। इसी चक्कर में आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो और कहीं ना कहीं आपके मन में ये बार बार आ रहा है कि मुझे टैरो रीडिंग लेनी है। मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स टैरो रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, या टैरो रीडिंग सीखने के बारे में सोच रहे हो। मुझे कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा। आप समझ नहीं पा रहे हो अपने पार्टनर के बिहेवियर को, क्योंकि यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपने उनको इतना प्यार दिया है, इतनी केयर करी है, और फिर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको एक दोराहे पे छोड़ के चला गया है। आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। आप इस रिलेशन में जस्टिस चाहते हो और कहीं ना कहीं यूनिवर्स से प्रेयर करते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि मैंने इतने एफर्ट्स करे और इस व्यक्ति से इतना प्यार किया, इतना कुछ किया इस व्यक्ति के लिए, लेकिन मुझे इस व्यक्ति की तरफ से कुछ मिल क्यों नहीं रहा है। मुझे कुछ मैं ये आप ये कहते हुए दिख रहे हो कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये मेरे से एकदम से शादी कर ले, या कुछ भी ऐसा आपके मन में नहीं है। आप सिर्फ ये चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में वापस आए और आपको क्लैरिटी दे। अब क्लैरिटी चाहते हो, क्योंकि यहाँ शुरुआत टू ऑफ पेंटिकल से हुई थी और एंड टू ऑफ सोर्ड से हो रहा है, जो कि बता रहा है आप काफ़ी उलझे हुए हो कि मैं वेट करूँ, रुकूँ के जाऊं या मूव ऑन करूं। ये कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अभी इस रिलेशन में क्लैरिटी चाहते हो। काफ़ी टाइम से आप अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो एंड जब भी आप मूव ऑन करने का सोचते हो तो ये हमेशा की तरह वापस आए हैं और आपको फिर से वही चीज़ें देखने को मिली हैं। फिर से ये आपकी लाइफ में आए हैं और फिर जब इनका मन हुआ है ये आपकी लाइफ से चले गए हैं, कुछ भी क्लोजर नहीं दिया है। आप काफ़ी डिस्टर्ब हो, मेंटली भी आप काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो। आप पूरी तरह से एक तरफ अपने काम के ऊपर फोकस नहीं दिखाई दे रहे हो। आपका मन बार बार इनकी तरफ जाता है। आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, आप खुश होना चाहते हो, अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। आपके पार्टनर में काफ़ी ईगो हो सकती है, काफ़ी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं। इस रिलेशन में कैसे चलना है ये सब ये डिसाइड करते हैं। अगर आप इनके साथ सोशल मीडिया पे अनब्लॉक हो, ठीक है, तब भी आप इनको देखते हो कि ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये पार्टीज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी आपको बहुत दुख होता है कि क्या मेरी इसकी लाइफ में कोई जगह है, मेरी लाइफ इसकी लाइफ में मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं इसकी लाइफ में हूँ भी कि नहीं, मैं इसको याद भी आती हूँ कि नहीं, ये कैसा रिश्ता है, ये प्यार हम दोनों की तरफ से था तो डिसीजन एक तरफा क्यों है, क्या मेरी राय कोई मायने नहीं रखती है, क्या मेरा मैं क्या चाहती हूँ ये चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती हैं। आप काफ़ी इस रिलेशन में अब घुटन महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, काफ़ी परेशान दिख रहे हो, जो ये कार्ड्स मुझे आपकी एनर्जी में बता रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, तो दूसरा डेक लेते हैं। ठीक है, चलें, ये तो होगी आपकी एनर्जी, आपके साथ मैच हुई है तो बहुत बढ़िया, 20-30% से ज़्यादा हो गई है तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया। तो जल्दी से आपने इस एनर्जी को क्लेम कर देना है। ठीक है, तो जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊंगी तो वो होगी आपके पार्टनर की सेम एनर्जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल किस एनर्जी में चल रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं।
फीलिंग्स चेक करते हैं आपके लिए, क्या ये आपकी लाइफ में वापस आना भी चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये चेक कर लेते हैं। तो यूनिवर्स, आपने क्या करना है, 3 बार लेना है अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ, ठीक है, और कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार अपने पार्टनर का नाम दोहराना है। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपकी एनर्जी तो काफ़ी डावाडोल दिख रही है, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो देखते हैं ये जनाब क्या कह रहे हैं, या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये इस रिलेशन को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से भी लग रहा था कि जो आपके पार्टनर हैं, ओ सॉरी यूनिवर्स, देखो आप में भी ये कार्ड आया था, आप में दोनों कार्ड आए थे, है ना, सेम। चले पूछते हैं यूनिवर्स, इस समय मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति का नाम अपने नाम के साथ ले रहे हैं, इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए इनका नाम बार बार दोहरा रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, इनके पार्टनर की अभी इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं। कार्ड्स बहुत एक्साइटेड हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। चैरियट, आपके पार्टनर बहुत स्मार्ट है, होता है ना बंदा चतुर चालाक, प्लानिंग के साथ चलने वाला, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। आप में क्वीन ऑफ फैंड्स आया था और यहाँ पे मुझे किंग ऑफ फैंड्स दिख रहा है। ध्यान कीजिए आप बार बार कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ कार्ड्स दीजिए और मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ये कुछ इस तरह के इंसान हैं कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं। वैसे तो रिश्तों को दिमाग से नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर मुझे दिमाग से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, ये कार्ड आया था। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ फैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड, ये कार्ड मुझे बहुत टाइम से दिख रहा था, थ्री ऑफ सॉर्ड, ओके, ऑल जोडियक साइन है, ठीक है। तो नंबर 7, नंबर 5, नंबर 17, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 2, नंबर यहाँ पे है आई थिंक 16, नंबर 7 दो बार आया है, एंड 6 नंबर एंड 3 नंबर, ये नंबर कुछ हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई और देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जो मुझे तो समझ आ रही हैं लेकिन थोड़ा सा क्लैरिफाई मैं करना चाहूँगी कि इनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, तो क्लियर कर लेते हैं। तो यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और बताइए कि चैरियट कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दूर से कहीं वॉच कर रहे हैं, स्टॉक करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, यस मैजिशियन, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं से ये आपको चेस कर रहे हैं और जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मेरे कुछ के व्यूवर्स इस तरह से लग रहे हैं कि इनको कहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला है। नंबर 1 हो सकता है इनका मूलांक या आपका मूलांक, ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो मैजिशियन कार्ड आप में भी आया था, तो यहाँ पे भी इस तरह से लग रहा है कि इनके सामने आजकल टैरो रीडिंग्स आनी स्टार्ट हुई हैं, जिसका मतलब है कि अब इनको अवेकनी की तरफ लेके जाया जा रहा है, जिसके कारण ये आपको ये सोच रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर तो रहे हैं। साथ ही जो रीडिंग्स इनकी आंखों के सामने आ रही हैं, जिसमें ट्विन फ्लेम या सोलमेट के बारे में बताया जा रहा है, तो वो चीज़ें इनको थोड़ा सा अटपटी सी लग रही हैं कि अरे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, और उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और आपको ये जैसे होता है ना, बंदे के सामने जब एक चीज़ बार बार आती है तो फिर उसका मन करता है अच्छा चल मैं देख ही लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। किंग ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी हमें क्या बताना चाहती है यूनिवर्स, ओ माय गॉड, कार्ड उड़ उड़ के आ रहे हैं।
ओके, यहाँ पे तीन कार्ड आए हैं। तो ये जो है व्यक्ति, ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की भी एंट्री हुई है, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। इमेच्योर बिहेवियर मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं आपके प्यार को इग्नोर करते हुए, क्योंकि किंग ऑफ फ्रेंड्स का जो चेहरा है वो उस तरफ घुमा हुआ है ना। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं आपके प्यार को, हमेशा इन्होंने दूसरों के लिए इग्नोर किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी जैसे कि कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनकी आप दोनों के बीच में कास्ट, रिलीजन, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, इनकी ईगो भी हो सकती है। तो एक स्ट्रेंथ इनके अंदर आती हुई नज़र आ रही है और ये स्ट्रेंथ दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। अब ये आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। आपको यहाँ पे कोई कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है एंड ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो हो रहा है ये यूनिवर्स की तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ इनके अंदर आपके लिए जो इमोशंस हैं वो आगे बढ़ते हुए आपके लिए इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। पैशनेट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाता है। मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये आपको लेकर काफ़ी हाईली अट्रैक्टेड हैं और आपका जो अट्रैक्शन है, आपका जो ऑरा है, इनको बार बार आपकी तरफ खींचता है। फाइव ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? फाइव ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? देखो, ओ माय गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स एक एक कार्ड दीजिए, मैं इसे समझ नहीं पाऊंगी। प्लीज़ एक एक कार्ड दीजिए आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हेल्प कीजिएगा और बताइएगा फाइव ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्या बताना चाहती हैं, कैसी हैं इनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। वन कार्ड ओनली। ये कार्ड दिखा था हमें सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से लग रहा है आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पास्ट के लवर हो सकते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, आप एक दूसरे को काफ़ी लंबे अरसे से जानते हो, जैसे कि 6 साल भी इस तरह से लग रहा है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। 6 साल का रिलेशन है आप दोनों का, 12 साल का हो सकता है, कुछ इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे पास्ट लाइफ रिलेशन दिख रहा है, धीरे 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 ये दोस्ती का प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि अब आपके पार्टनर इस रिलेशन में लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं। जब भी मैं काम स्टार्ट करती हूँ या तो कोई ये घर में आ जाता है या फिर मेरे फ़ोन स्टार्ट हो जाते हैं, पता नहीं क्या ही चक्कर है। सॉरी गाइस। ओके, तो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, आपके पार्टनर भी आपके साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं, आप ये स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एंड यहाँ मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप के जो पार्टनर हैं अभी इस समय स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ आएंगे और इस रिलेशन में जो एफर्ट्स पहले आप यहाँ करते थे अब इनकी तरफ से एफर्ट्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी प्यार, काफ़ी अट्रैक्शन ये आपकी तरफ फील कर रहे हैं। स्टार कार्ड बता रहा है टू ऑफ सोर्ड को, स्टार कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। टू ऑफ सोर्ड का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप इनकी वो डिज़ायर हो जिसको ये हर हालत में पूरा करना चाहते हैं, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आप इनकी एक ऐसी ख्वाहिश हो जिसके लिए ये आज भी दुआएं करते हैं कि भगवान मुझे उससे मिलवा दो, उससे बात करवा दो। क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है तो इतनी ईजीली आप एक दूसरे की जान नहीं छोड़ने वाले हो, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो मुझे दिख रहा है वो काफ़ी नेगेटिव थॉट्स हैं, काफ़ी नेगेटिव लोग हैं, ये कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं जिसके कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, तो सोसाइटी के कारण, फैमिली के कारण ये आपकी तरफ से हमेशा की तरह हमेशा आंखें मूंद लेते हैं, आपके इमोशंस को इग्नोर करते हैं, आपके प्यार को इग्नोर करते हैं। आपके पार्टनर के हाथ पे टैटू हो सकता है, या आप टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हो, या आप लोगों ने टैटू बनवा रखा है, या तो आपने अपने पार्टनर का नाम लिखवा रखा है, या मुझे इन्फिनिटी सिंबल भी दिखाई दे रहा है। तो इनके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ये आपकी तरफ नहीं आए, लेकिन आपके पार्टनर आपको अपनी एक ऐसी ख्वाहिश मानते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, लेकिन ज़्यादातर ये दूसरों की सुनते हुए दिख रहे हैं, कान के कच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक अगर इनका कोई दोस्त भी आपके बारे में कुछ बोल देता है तो उसी समय ये आपको ब्लॉक कर देते हैं या अनदेखा करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। फोर ऑफ फ्रेंड्स, सॉरी,
फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स, फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों दिखाई दे रही है यहाँ पे, ओके, ओ माय गॉड, फोर ऑफ सोर्ड को फोर ऑफ सोर्ड ने ही क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी हेल्थ इशू चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, इनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं, इनके हेल्थ इशू चल रहे हैं, फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, मतलब इनकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन चलते हुए मुझे दिख रहे हैं। खुश नहीं है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनके जो सिचुएशन है काफ़ी बर्डन से भरी हुई है, काफ़ी इनकी लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। जस्टिस कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये किसी कोर्ट केस में अभी इस समय दिखाई दे रहे हैं, मे बी इनके घर में कोई प्रॉपर्टी का किस्सा चल रहा है, अगर ये मैरिड हैं तो इनको अपने स्पाउस की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं डाइवोर्स ले लूँगी या ले लूँगा और ये मैं ये कर दूँगा या वो कर दूँगा, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने फ़िलहाल अभी अपना दिल बाहर निकाल के रख दिया है एंड यहाँ पे भी जैसे ये व्यक्ति लेटा हुआ है और इसने हथियार फेंक दिए हैं, यहाँ पे भी ये लड़की लेटी हुई है, इसने अपना दिल बाहर निकाल दिया है और हथियार फेंक दिए हैं, निढाल हो गई है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ इन्होंने भगवान के आगे छोड़ दिया है कि भगवान अब तुम्हें ही जस्टिस करना है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आप लोग यूनिवर्स से जस्टिस मांगते हुए दिख रहे हो और आपके पार्टनर भी यूनिवर्स से ही जस्टिस मांगते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको ये एहसास होता है कि यार मैंने किसी के साथ गलत करा है तो ये कर्मा मुझे जो फेस करना पड़ रहा है। तो अभी हम चेक करेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हमें क्या बताना चाहती है। तो यूनिवर्स नीचे कार्ड्स और बताइए क्वीन ऑफ पेंटिकल हमें क्या बताना चाहता है, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है और हमें क्या बताना चाहता है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, ओके, तो आप इस समय कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो या आगे समय आने वाले समय में ट्रैवल करना चाहते हो, काफ़ी फायरी एनर्जी हो, जैसे कि आपकी एनर्जी में मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, अब आप इस रिलेशन से थक गए हो, आप अपनी लाइफ में खुशियां चाहते हो, आप अपने अंदर एक चेंज चाहते हो, तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एक फीमेल दिख रही है और यहाँ पर हमारी क्वीन ही आई है, तो यहाँ पर आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती हुई नज़र आ रही है जिसको आपके पार्टनर दूर से देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत चेंज आ गया है। पहले जो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, अभी आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में इनको दिखाई दे रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ठीक था, पर गाइस आपने ध्यान नहीं देना है, ठीक है, तो एनर्जी को आपने पिक करना है, जो कार्ड्स होते हैं वो एनर्जी ही पिक करते हैं, जेंडर क्या है ये नहीं देखा जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अब इसमें बहुत चेंज आ गया है, पहले जो आप इनके पीछे जाते थे, इनको चेज़ करते थे, गिड़गिड़ाते थे कि मुझे छोड़कर मत जाओ, अब ये देख रहे हैं कि नहीं, ये तो घूम फिर रही है, एक्सप्लोर कर रही है अपनी लाइफ को, या ये पेंटिकल के ऊपर काम कर रही है, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं और इनका जो अट्रैक्शन है वो आपकी तरफ और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसे ही स्टार्टिंग में देखा था जब आपका प्यार शुरू हुआ था, शुरुआत में जैसे आप थे, अब आप इनको फिर से वैसे ही नज़र आ रहे हो, जिसके कारण इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, आप भी एक मिस्टीरियस बनते जा रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए भी आपके पार्टनर की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स, ओ सॉरी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई कीजिएगा, किंग ऑफ कप्स, ओके, ओ माय गॉड, देख रहे हो कैसे, जैसे यहाँ पे भी फोर ऑफ सोर्ड आया है, यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स को किंग ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किया है, तो ये जो आपके पार्टनर है ये आपके लिए पागलपन की हद तक पहुँचते जा रहे हैं, इनका प्यार आपको लिए बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपकी लाइफ में झांकना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया है भाई इसकी लाइफ में, ये इतना कैसे बदल गई है या ये इतना कैसे बदल गया है, कि ऐसा क्या हुआ है, क्या इसको कोहिनूर हीरा मिल गया है या कुबेर का खजाना मिल गया है जो मैं इसके अंदर इतना चेंज देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, इमोशंस इनके कंट्रोल में नहीं है, इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, इनकी अवेकनिंग जैसे मैंने बोला था स्टार्ट हुई है, जिसके कारण ये आपकी तरफ एक
मैग्नेटिक पुल फील करते हैं और बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है, ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, बहुत सी बातें आपको बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों अंदर से ये फीलिंग्स आ रही हैं या ये इंट्यूशन आ रही है कि ये आपको कोई सिली एक्सक्यूजेस देंगे और विक्टिमाइज करेंगे अपने आप को, विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं बहुत मजबूर हो गया था, मुझे जाना पड़ा, मैं बहुत बीमार था, मेरे घर में ये स्यापा चल रहा था, तो जिसके कारण मैं तुमसे दूर गया, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। और इस तरह से ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। इनके हेयर ग्रे हो सकते हैं, ठीक है, या आपकी याद में इनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, कुछ इस तरह से भी मुझे आज मैसेज रिसीव हो रहा है। एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, कहीं ना कहीं इनके अंदर एक डर भी दिख रहा है, वो है रिजेक्शन का, कि इसमें इतना चेंज आ गया है तो कहीं ये मुझे रिजेक्ट नहीं करते। तो अगर ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, अभी आप इसके अंदर हो, ऐसी एनर्जी में हो कि अपने अंदर एक चेंज ला रहे हो, अपनी ग्रोथ में काम कर रहे हो, ठीक है, तो अपने ऊपर फोकस हो, अपने काम के ऊपर फोकस हो। हाँ, वो बात अलग है कि हम अपने पार्टनर की फीलिंग को जानना चाहते हैं, जब हमें चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है तो हमारा एकमात्र जो सहारा होता है वो टैरो रीडिंग्स ही होती हैं, ठीक है। और ये टैरो रीडिंग्स अपने आप आपको अप्रोच करती हैं, यूनिवर्स आपको खुद सेलेक्ट करता है, और ये टैरो रीडिंग अचानक से उस समय आप के सामने आती हैं जब आपके पार्टनर ने आपको चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया होता है। आप उनको याद करते हो, दुआओं में मांगते हो कि मैं कैसे इसके बारे में जानूं, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, आपके प्यार को, आपकी लॉयल्टी को, आपकी ऑनेस्टी को देखते हुए टैरो रीडिंग्स आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यहां मुझे ये दिख रहा है कि अब ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, खोजबीन करना चाहते हैं कि इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है। द टावर कार्ड क्यों आया है, बातचीत बंद है, यहाँ पे मेरे कुछ व्यूवर्स ब्लॉक हैं, कुछ व्यूवर्स ब्लॉक नहीं हैं, कुछ की बातचीत चालू है लेकिन ऐसी बातें नहीं होती हैं, आप ब्लॉक नहीं हो, हेलो हाय है, लेकिन लवी डवी बातें मुझे नहीं दिखाई दे रही है, सेपरेशन दिख रहा है। तो चले चेक करते हैं इनकी एनर्जी में टावर मोमेंट क्यों दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स दीजिए कार्ड्स और बताइए कि टावर कार्ड यहाँ पे क्यों है, ये हमें क्या बताना चाह रहा है। एक कार्ड ने अपना चेहरा दिखाया है, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स यहाँ भी आया है, फाइव ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी आया है। तो जी, इनकी लाइफ काफ़ी स्टक है, इनके घर में सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जिसके कारण ये काफ़ी परेशान है, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें ये काफ़ी फंसे हुए हैं। इन्होंने जो महल खड़ा किया था ना आपको छोड़ के, कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, चलो एक जाएगी दूसरी आएगी, एक चला गया तो मैं दूसरे का हाथ पकड़ लूँगी, ठीक है, थी था पर इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि दी हमें समझ नहीं आता है कि ये जेंडर किसका है या आप किसके लिए बोल रहे हो, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने थी था पर ध्यान नहीं देना है। तो आपके पार्ट, मैं फीमेल हूँ ना तो इसीलिए मुझे ईजी रहता है ऐसे बोलना, और फ्लो फ्लो में अगर मैं थी था में उलझ गई तो मेरा ध्यान ही डाइवर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, 555 की एनर्जी बता रही है चेंज को, तो इस रीडिंग के बाद आपको 555 नंबर दिख सकता है, 555 की एनर्जी भी नज़र आ सकती है जो कि बताती है एक चेंज को, और ये चेंज पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, फ्यूचर हमारे हाथ है, फ्यूचर को हम कैसे बदल सकते हैं, अगर हम प्रेजेंट में जिंदा रहते हैं, प्रेजेंट में पॉजिटिव रहते हैं, प्रेजेंट में ही हम फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो महल बुना था आपको छोड़ के, कि मैं ऐसा कर लूँगा, पैसे कमा लूँगा, इसके साथ रिश्ता रख लूँगा, इसके साथ इन्वॉल्व हो जाऊँगा, तो वो सब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय ये पास की एनर्जी में जिंदा है, पास की बातों को सोच रहे हैं, पास में ये हुआ था, वो ऐसा किया करती थी, वो ऐसा किया करता था, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी सैड एनर्जी है। ये आपने देखा है कि यहाँ पे भी डार्कनेस है, दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत से झगड़े चलते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी चिड़चिड़े, काफ़ी गुस्सा इनको आ रहा है, किसी का गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल रहे हैं, किसी के साथ इसकी नहीं बन रही है,
किसी के साथ इनकी नहीं बन रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी की तरफ से भी इनको काफ़ी निग्लेक्ट किया जा रहा है। इनके साथ अगर ये इनका पार्टनर है तो उनके साथ भी इनकी बातचीत बंद है। क्यों क्यों हो रहा है ये? इसलिए कि इनको यूनिवर्स ट्रिगर दे रही है, इनकी अवेकनिंग का टाइम स्टार्ट हुआ है। वैसे भी ये कर्मा ईयर है और इनकी रीडिंग में यहाँ पे जस्टिस कार्ड आया है, तो ये अपना कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी का दिल तोड़ना तो बहुत ही ईजी है, किसी को मुँह पे गाली निकाल दो, चांटे लगा दो, उसका दिल तोड़ दो, भ्रम तोड़ दो, ट्रस्ट तोड़ दो, ये बहुत ईजी है। लेकिन उस टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब दिल टूट जाता है तो जुड़ने पे भी उसमें एक निशान रह जाता है। तो इसीलिए फिर यूनिवर्स क्या करते हैं, यूनिवर्स आप जिस भी ईश्वर में आप विश्वास करते हो, अल्लाह में आप विश्वास करते हो, फिर उनकी तरफ से जस्टिस किया जाना है। अगर आपको कोई गाली देता है या आपके साथ मिसबिहेव करता है और आप आगे से जवाब नहीं देते हो, ठीक है, तो उसका जवाब फिर किसकी तरफ से दिया जाता है? यूनिवर्स की तरफ से दिया जाता है। तो यूनिवर्स की तरफ से इनको ट्रिगर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी हमें क्या बताना चाहती है? मेरे कुछ व्यूवर्स हो सकता है किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो आप दोनों अलग अलग जगह पे मैरिड हो, आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो और ये भी किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। काफ़ी अट्रैक्शन और काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, ये आपको लेकर काफ़ी पैशनेट फील करते हैं। सिक्स ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। एम्परर कार्ड आप में भी आया था, देखो कितने सिमिलर कार्ड आए हैं, है ना। इस एनर्जी को प्लीज़ आप जल्दी से क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, तभी ये चेंज आप अपने पार्टनर में देख पाओगे। ओके, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इतनी तेज़ी से मत सुना करो, ऐसे मज़ा नहीं आता है यार। मैंने भी कराया, ये अच्छा नहीं आता है, वो फीलिंग नहीं आती है, वो सिर्फ इस तरह से लगता है हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि रीडिंग आई है, चलो सुननी है, अच्छा इतने मिनट की है, फास्ट फॉरवर्ड कर दो, है ना। तो वो हम लोग फिर उस एनर्जी को ग्रैप नहीं कर पाते हैं। द एम्परर कार्ड, तो एम्परर कार्ड क्या बता रहा है? आपके पार्टनर में एक चेंज आ रहा है। ये जो व्यक्ति बहुत ईगो से भरा हुआ था, अब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है, क्योंकि किंग के कार्ड हमें दो बार रिसीव हुए हैं, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहा है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि ऊपर से आपको नहीं बताती है कि आपके लिए ये अंदर से क्या फील करते हैं, ये आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, आपकी फिक्र करते हैं, आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये बातें आप इनके चेहरे से नहीं पढ़ पाते हो, है ना। तो ये क्या है, ये अपनी बहुत सी बातें हाइड करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी बातें हैं इनके दिल में जो कि ये बताना नहीं चाहते हैं। मे बी इनका बचपन ही कुछ इस तरह से गुजरा है कि इन्होंने जब भी किसी को अपना प्यार दिखाया है या जब भी किसी को अपना प्यार जताया है तो इनको आगे से दुख ही मिला है, तो इसीलिए कुछ ये इस तरह से बन गए हैं, कठोर हो गए हैं। ऊपर से ये बहुत कठोर दिखते होंगे लेकिन अंदर से इनका दिल प्यार से भरा हुआ है, आपको लेकर काफ़ी पोजेसिव है, लेकिन आप इनका ये चेहरा देख रहे हो आजकल कि आपको इग्नोर करना, अपना प्यार नहीं बताना, अपनी फीलिंग्स नहीं जताना, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए, ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो, एंड ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनका खुद का काम हो सकता है, जिम हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, नेवी में हो सकते हैं, मुझे कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? देखो इतनी मेहनत करी है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल हमें क्या बताना चाहता है यूनिवर्स? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कार्ड दीजिएगा तो बताइएगा कि थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें क्या बताना चाहता है। मैंने कल आपको बोला था कि डिटेल रीडिंग करेंगे और इनका पूरा एक्सरे निकालेंगे तो ये इनका पूरा एक्सरे निकल के बाहर आया है, इतने सारे कार्ड। थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ भी आया लेकिन हम इतने सारे नहीं लेंगे, है ना, हमें एक कार्ड ही चाहिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए जिसको मैं समझ सकूँ थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड हमें किससे दे रहे हैं। ओनली वन कार्ड यूनिवर्स, ओनली वन कार्ड, नहीं बाबा रे इतना नहीं चाहिए मेरे को, एक कार्ड चाहिए आप इनके माइकल प्लीज़, एक कार्ड दीजिए और बताइए थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच, ओ माई गॉड।
डेविल गार्ड की एनर्जी बता रही है कि ये आपको लेकर इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कि आपके बिना इनकी सांसें भारी हो रही हैं। 15 नंबर 6 नंबर यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इनकी लाइफ में कोई तो ऐसा है जो इनको ट्रिगर दे रहा है। जो बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया था वही बिहेवियर इनके साथ हो रहा है। किसी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लियर करने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये आपके बारे में अपनी किसी फ्रेंड से राय लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, मैं उससे दूर जाना चाहता हूं लेकिन मैं दूर नहीं जा पा रहा हूं, मैं उसकी तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन फील करता हूं, मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ। तो आपके बारे में किसी से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको लेकर ये हाईली 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 अट्रैक्टेड हैं। आपके बिना जीना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आप दोनों का सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सिटी सेम हो सकती है, टाउन सेम हो सकता है, स्ट्रीट सेम हो सकती है, ठीक है, सेम कंट्री हो सकती है, ठीक है, कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। मेरे कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि उनके पार्टनर ओवरसीज में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन जैसे मैंने बोला था, तो या तो आपके पार्टनर इंडिया से बाहर रहते हैं या आप इंडिया से बाहर रहते हो, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप दोनों मिले होंगे, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स ऑनलाइन बातें करते हैं लेकिन आज तक एक दूसरे को नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ डेविल की एनर्जी बता रही है कि ये आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, आपको फिजिकली अपने सामने देखना चाहते हैं। डेविल कार्ड का हमें ये भी बता रहा है कि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है। थ्री ऑफ पेंटिकल की जो ऊर्जा है वो ये बता रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे इनकी फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, ये मैरिड इंसान हो सकते हैं, तो जिसके कारण ये आपसे एक दूरी बनाए हुए हैं। काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं जब भी, यहाँ तो इनके ऊपर स्पेल भी दिख रहा है, यहाँ पे इनकी इनके ऊपर स्पेल किया गया है, कुछ इस तरह से भी दिख रहा है। सेकंड, ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि ये आपके साथ फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, इनकी सारी खुशियाँ आपके साथ हैं, आपसे ही शुरू और आपसे ही ख़त्म वाली बात है। तो यस, डेफिनेटली ये आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सोर्ड, जो कि बता रहा है, ये कार्ड आप में भी आया था, कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपको ये दिन रात याद करते हैं, 24/7 आप इनके माइंड में रहते हो या आपसे मिलना चाहते हैं, इनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं, इनको आपके बहुत सारे सपने आते हैं, यूनिवर्स की तरफ से बहुत से सपने ये आपकी आपके लिए देखते हैं, जिसके कारण ये सो नहीं पाते हैं। एंड ये सपने कुछ इस तरह से होते हैं कि इनको ये लगता है कि जैसे आप इनकी लाइफ से दूर जा रहे हो, आप इनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, इनका हाथ आपके हाथ से छूटता जा रहा है। तो एक ऐसे इंसान को ये छोड़ के जाता हुआ देखते हैं, जिसके कारण ये डर जाते हैं और फिर इनकी नींद खराब हो जाती है और ये उठ जाते हैं। स्लीपलेस नाइट्स हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एंड सेकंड, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जैसे जैसे आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, इनके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होते जाते हैं और इनका प्यार आपकी तरफ और बढ़ने लग जाता है, और ये इनका मन करता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपको देखने का। ये कार्ड कुछ ये क्लैरिफाई कर रहा है। लास्ट कार्ड हम ये देखेंगे कि क्या आया है। या आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, हार्ट ब्रेक से ये भी गुजर रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी हमें क्या बता रही है यूनिवर्स। लास्ट कार्ड है, क्लियर कर दीजिए, क्लैरिफाई द नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, ये कार्ड हमें पहले भी दिखा था, तो यहाँ यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि इनकी हो रही है अवेकनिंग, ठीक है, जिसके कारण इनको आपकी दुआएं कबूल होती हुई नज़र आ रही है। जजमेंट कार्ड आप में भी आया था, जजमेंट कार्ड यहाँ भी दिख रहा है। जस्टिस कार्ड और जजमेंट कार्ड का साथ आना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपने जो दुआएं मांगी थी मुझसे, जो जस्टिस मांगा था, अब वो जस्टिस आपको मिलने वाला है। बस आपने यहाँ पे स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको मुझ पे भरोसा करना है। आपने जो भी दुआएं मांगी थी उसके लिए आपकी दुआएं कबूल कर ली गई हैं और इस रिलेशन में आपको जस्टिस मिलेगा। आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, जिसके कारण वो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। नंबर 12, नंबर 3, नंबर 20 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स। यस, डेफिनेटली इस रिलेशन में आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जब यूनिवर्स आ जाते हैं ना किसी रिलेशन में, जस्टिस उनकी तरफ से आता है। दुनिया तो जस्टिस क्या ही देगी, सच को झूठ और झूठ को सच साबित किया जाता है, लेकिन जो यूनिवर्स हैं, जो हमारे शनि देवता हैं, जो कि ये कर्मा ईयर चल रहा है, ये झूठ को
साबित करता है, साथ ही कर्मा भी क्लियर करता है और सामने वाले को उसके किए गए कर्मों का फल भी देता है। तो यहाँ पे आपको अपने कर्मों का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बताता है कि आपको इस रिलेशन में विक्ट्री मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये बता रही है कि यस डेफिनेटली आपने जो भी मांगा था वो आपको मिलने वाला है। सक्सेस आपकी होगी, सफलता आपको मिलेगी। और ये सफलता कैसे मिलेगी कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएंगे, एक न्यू बिगनिंग के साथ आपकी तरफ आपके पार्टनर वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको काफ़ी ट्रिगर दिए जाएंगे इस बर्डन के कारण, इन्होंने जो आपके प्यार को छोड़ा था, ये आपके प्यार को पाने के लिए आपकी तरफ वापस आएंगे। आप अपने किसी ट्विन या सोलमेट के साथ डील कर रहे हो एंड सिक्स ऑफ कप सॉरी सिक्स नंबर 666 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। एंड सेकंड, मैंने देखा है कि मेरे बहुत से व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल जाए। आप प्लीज़ ऐसे मत लिखो, आप लिखो कि मुझे मेरा मिस्टर राइट मिल जाए, मुझे मेरी मिस राइट मिल जाए। क्योंकि जो ये ट्विन फ्लेम हम लिख देते हैं ना, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत मुश्किल होती है, सोलमेट भी कुछ इस तरह के ही पड़ाव से गुजरती है। कौन सी कैटेगरी में हो आप ये बाद में पता चलता है, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप लिखते हो कि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल जाए, ट्विन फ्लेम मिल जाए, तो फिर आपको जो ट्विन फ्लेम मिलेगा ना, वो बहुत सारी हर्डल्स को पार करके ही मिलेगा, जिसमें काफ़ी डिले हो जाएगा। ठीक है, मैं बड़े दिनों से ये बात आपको बोलना चाहती थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग से स्किप हो जाता था। लेकिन जब से ये कार्ड आया है तो मैंने यूनिवर्स से बोला था कि यूनिवर्स इस बार मुझे ना याद दिला देना, मेरे व्यूवर्स ये फिर से गलती कर रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है इतनी मुश्किल होती है, फिर आपको बहुत मुश्किल से आपका पार्टनर मिलेगा। सो आप ये लिखना बंद कर दो कि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल जाए, ठीक है, या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ये भी लिखना बंद कर दो। आप लिखो कि यस मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हूँ और मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, एंड थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरे मिस्टर राइट से मिलाने के लिए या मिस राइट से मिलाने के लिए, जिसको मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल गया। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो जर्नी इतनी मुश्किल है कि आपके हर्डल्स आपको स्टेजेस क्लियर करनी ही पड़ेंगी, वो जर्नी मैनिफेस्ट हो जाएगी। आप हो वो अलग बात है, ठीक है, आपने अगर रीडिंग ली है तो आपको पता है आप किस जर्नी में हो। अगर आप नहीं भी हो, आप अपने किसी नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या आप ऐसे ही किसी से प्यार करते हो, कोई भी किसी भी जर्नी में नहीं हो, तब भी आप उसके जो हर्डल्स होते हैं ना, वो आपको देखने पड़ जाएंगे। सो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको जब भी कमेंट सेक्शन में लिखना है, आप यही लिखिए कि मुझे मेरे मिस्टर राइट से यूनियन हो जाए। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, किसी की भी रीडिंग देखते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो आई होप आपकी तमन्ना पूरी हो गई, मैंने बहुत डिटेल में रीडिंग करी है, और अगर आपको पसंद आई है तो इस रीडिंग को आपने लाइक करना है, शेयर करना है इस एनर्जी को, क्योंकि हमारा जो लास्ट कार्ड है वो बहुत ब्यूटीफुल आया है। यस, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, अभी इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है पूरी तरह से यूनिवर्स की तरफ से। इनको जब इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने पार्टनर को अभी समझो कि दिल्ली दूर है। ठीक है, तो आपने इस एनर्जी को क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। आज 44 मिनट्स की वीडियो हो गई है, सॉरी गाइस। तो मैंने जैसे कल प्रॉमिस किया था कि आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी, तो यस डेफिनेटली आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।